हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा योगेश भोए एंड वेलकम टू एग्री गुरु स्नेहा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्टीवेशन ऑफ बाजरा आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बाजरा कल्टीवेशन। हम देखेंगे बाजरा का किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है सीड रेट कितना लगता है सीड ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है स्पेसिंग कितना लगता है सोइंग टाइम कौन सा रहता है देन हम डिटेल में देखेंगे ड्रिलिंग और ड्रिबलिंग मेथड एंड मेजर डिसीजेस ऑफ बाजरा बाजरा ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है पाचन विकारों में हमें मदद करता है कैंसर को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने में बाजरा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल चलिए तो फिर देखते हैं द बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा इज पेनेटम ग्लैकम एंड द कॉमन नेम इज बाजरा फैमिली इज ग्रेमिना बाजरा इज पॉपुलरली नोन एज पियरल माइलेट बाजरा को पियरल माइलेट भी कहा जाता है मेजर बाजरा प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया आर द फर्स्ट नंबर इज राजस्थान सेकंड महाराष्ट्र थर्ड हरियाणा फोर्थ गुजरात फिफ्थ उत्तर प्रदेश एंड अकॉर्डिंग टू टॉप हाई इल्डिंग स्टेट इज तमिलनाडु इनके बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इल्ड लोकल नेम्स ऑफ बाजरा इन इंडिया हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है सब स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसलिए बाजरा के भी अलग अलग नेम्स हैं इंग्लिश में बाजरा को पियरल माइलेट कहा जाता है हिंदी उर्दू पंजाबी में बाजरा कर्नाटका काम्बू एंड तमिल लैंग्वेज में साजी मलयालम लैंग्वेज में कम्बम तेलुगु लैंग्वेज में साजालू राजस्थानी गुजराती एंड मराठी लैंग्वेज में बाजरा को बाजरी कहा जाता है सीड रेट थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव के जी हेक्टर फॉर डिब्लिंग मेथड एंड फोर टू फाइव के जी पर हेक्टर फॉर ड्रिलिंग मेथड डिब्लिंग और ड्रिलिंग मेथड के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी सीड ट्रीटमेंट द ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड केरेसिन एग्रोसैन शुड बी यूज एट टू टू थ्री के जी पर हेक्टर टू कंट्रोल सीड बोर्न डिसीज सीड सीडब डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड केरेसिन एंड एग्रोसौन का यूज कर सकते हैं एज टू टू थ्री के जी पर हेक्टर स्पेसिंग रो टू रो फोर्टी टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर प्लान टू प्लान 10 to 12 cm and depth 2 to 3 cm and the sowing time is june to july and the harvesting period generally crop are harvested september and october soil requ requirement for bajra is black cotton soil and sandy loam soil soil के बारे में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल इस वीडियो में डिटेल में पढ़ा है फिर भी मैं बताती हूँ ब्लैक सॉइल में फॉस्फरस नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर कम रहते हैं एंड द सॉइल इज ब्लैक इन कलर बिकॉज इट इज़ होल्केनिक इन ओरिजिन सॉइल का ब्लैक कलर होल्केनिक की वजह से रहता है ओके सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को ज़्यादातर ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश कर्नाटका पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड राजस्थान में पाई जाती है ब्लैक सॉइल में हम कॉटन शुगर कैन ग्राउंडनट माइलेट्स राइस वीट एंड ऑयल सीड जैसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं लोम साइल इस तरह से रहती है इसमें सैंड सिल्ट और क्ले रहता है कुम्बू बाजरा इज नेचुरली क्रॉस पॉलीनेटेड प्लांट बाजरा क्या है क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलीनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन तो बाजरा क्या है क्रॉस पॉलीनेटेड प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड यह क्या होता है पोलेंड ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर एक फ्लावर से टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ऑफ द सेम काइंड इसमें क्या होता है पौधे जो लगते हैं वो डिफरेंट लगते हैं क्रॉस पोलिनेशन में ओके okay, फ्लावर्स अलग रहते हैं और पौधे भी अलग रहते हैं सेल्फ पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलियन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट यहाँ पे पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर सेम फ्लावर भी रहता है अदरवाइज अनदर फ्लावर भी रहता है पर प्लांट क्या रहता है सेम रहता है इसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं ओके बेस्ट सीड वराइटीज़ फॉर बाजरा फार्मिंग बाजरा के कौन कौन सी वराइटीज़ रहती है तो एच एच बी सिक्सटी आई सी एम एच थ्री फिफ्टी सिक्स पूषा सिक्सटी फाइव जी एच बी फाइव थर्टी एट एम पी सेवन सेवन नाइन टू एम पी सेवन एट सेवन टू आर एच बी वन टू वन एम एच एट नाइन टू देन एच एच बी सिक्सटी सेवन उन्नत राज वन सेवेंटी वन कावेरी सुपर एट सिक्स एम एट सिक्स एम पी एम एच सेवनटीन एम एच वन सेवन फोर सेवन के बी एच वन जीरो एट एम एच वन सेवन थ्री सेवन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन देन सोइंग मेथड्स एंड टिप्स फॉर बाजरा फार्मिंग सोइंग शुड बी डन बाई बोथ द डिब्लिंग एंड ड्रिलिंग मेथड डिब्लिंग और ड्रिलिंग मेथड से हम बाजरा को सो कर सकते हैं उसका कल्टिवेशन कर सकते हैं सो लेटर सी ड्रिबलिंग मैथड स्वइंग इज द डन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इम्प्लीमेंट नोन एज डिबलर यहाँ डिब्लर का यूज किया जाता है इट इज़ वुडन और आयन फ्रेम विथ पेक्स द फ्रेम इज प्रेस्ड इन द फील्ड एंड लिफ्टेड एंड देन वन और टू सीट्स आर ड्रॉप बाई हैंड इन ईच ऑफ द होल्स हम फोटो से समझते हैं इस तरह से हम डिब्लिंग कर सकते हैं इसमें क्या होता है डिबरिंग के लिए ज़मीन पर एक निश्चित गहराई फिक्स्ड अंतर के साथ होल्स बनाए जाते हैं और उसमें बीज रखे जाते हैं और उन बीजों को मिट्टी में ढक दिया जाता है ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मीन्स समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है इसमें इसलिए इस प्रोसेस को कोई जल्दी अप्लाई नहीं करता एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ ड्रिलिंग मेथड ड्रिलिंग मेथड इज एक्सक्लूसिव टू इंडिया इन दिस मेथड वन पर्सन प्लग अ होल इन द लैंड एंड द अदर पर्सन सोज द सीड ऑक्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज पर्सन टू प्लग द लैंड इसमें ट्रेडिशनल मेथड भी रहती है अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज की जाती है इसमें क्या होता है सब सतह को खोद कर एक निश्चित अंतराल और निश्चित गहराई में लाइंस बनाई जाती है और उनमें बीजों को रखा जाता है और उन बीजों को सॉइल से कवर किया जाता है जिसे हम ड्रिलिंग कहते हैं दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल इन अचीविंग प्रॉपर डेप्थ प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीड टू बी सोन इन द दॉयल इसका हम ज़्यादातर यूज कर सकते हैं दे मेजर इंसेक्ट्स पेस्ट अब कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट हमारे इस फसल uh, को डैमेज करते हैं देन वाइट ग्रब फ्लाई, ग्रास होवर्स टर्माइट्स ग्रे वेविल स्टीम बोरर्स एंड मेजर डिशीजेस आर डाउन यू रस्ट स्म अर्गोट डिसीज ऑफ बाजरा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन ब्लास्ट डिसीज ऑफ बाजरा तो आज की इस वीडियो में हमने देखा बाजरा का कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है देन सीड्र सीड ट्रीटमेंट स्पेसिंग सोइंग टाइम हार्वेस्टिंग ड्रिलिंग मेथड्स ड्रिबलिंग मेथड हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैंने अब आप आपको जो डिसीजेस बताई उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे थैंक यू